और सियासी घटनाक्रम झारखंड से अभी भी खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि अभी फ्लोर टेस्ट होना है। तो चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उनके अलावा दो मंत्री, एक आरजेडी के कोटे से सत्यानंद भोक्ता जो कि सोरेन सरकार में रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं, श्रम मंत्री रहे हैं, और कांग्रेस से आलमगीर आलम। और अब 5 फरवरी को बहुमत साबित करने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन उससे पहले इस बड़ी अग्नि परीक्षा से चंपई सोरेन सरकार को गुजरना होगा। तो सीएम पद की शपथ ले ली है चंपई सोरेन ने, झारखंड के नए सीएम, नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चंपई सोरेन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अब से कुछ देर पहले ही राजभवन में चंपई सोरेन पहुंचे, सीएम पद की शपथ ली है और झारखंड में अब चंपई सोरेन सरकार। उनके अलावा दो मंत्रियों ने भी शपथ ली है, आलमगीर आलम कांग्रेस से और सत्यानंद भोक्ता जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, आरजेडी के कोटे से आते हैं। और चंपई सोरेन सरकार की आज से शुरुआत, नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन, सीधी तस्वीरें झारखंड में राजभवन से। तो बड़ी उठापटक के बाद, जोड़ तोड़ के बाद, और इस बीच खबर यह भी आई है कि सीता सोरेन वो भी पहुंची है राजभवन। और देखिए एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी खबर, शपथ ग्रहण के बीच ही हैदराबाद रवाना हो गए विधायक, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, 37 विधायक 35 एमएलए रांची एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, महागठबंधन से ही ये 35 विधायक हैं जिन्हें हैदराबाद रवाना किया जा रहा है। और खबर ये आ रही है कि ये तमाम जो विधायक हैं ये सीधा 5 फरवरी को रांची लौटेंगे और सीधा विधानसभा का ही रुख करेंगे, क्योंकि 5 फरवरी को ही बहुमत पेश करना है चंपई सोरेन सरकार को, फ्लोर टेस्ट होना है। लेकिन देखिए किस तरह से रवानगी शपथ ग्रहण के बीच ही हुई है हैदराबाद के लिए। अब हैदराबाद भी चुना इसलिए गया क्योंकि वहां तेलंगाना में कांग्रेस शासित प्रदेश है, कांग्रेस की सरकार है, और ऐसे में किसी तरह की कोई टूट ना हो इस डर, इस आशंका से बचने के लिए अब 35 विधायकों को हैदराबाद के लिए रवाना कर दिया गया है, रांची एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। हालांकि ये कोशिश कल देर शाम भी की गई थी लेकिन खराब मौसम के चलते फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई थी और वापस सर्किट हाउस लौटना पड़ा था विधायकों को। लेकिन आज अब से कुछ देर पहले शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है, नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली चंपई सोरेन ने, उनके साथ दो मंत्री भी शपथ लेते नजर आए, आलमगीर आलम कांग्रेस से विधायक हैं और दूसरे हैं सत्यानंद भोक्ता, आरजेडी के कोटे से आते हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि 35 विधायक हैदराबाद के लिए रवाना होंगे, एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं और सीधा 5 फरवरी। तो उनकी नाराजगी अब दूर हो गई, वो हमारी भाभी हैं, हमारी पार्टी की स्तंभ हैं, कोई नाराजगी नहीं है। महागठबंधन टूटेगा नहीं सर, झारखंड में टूटेगा। अशुभ बात बोलते हैं, थोड़ा सही सही बात बोलिए। मतलब जो बिहार में हुआ, जो बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वो झारखंड में नहीं हुआ, शपथ ग्रहण नहीं। हाँ मैं बोलिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सब कुछ ठीक, पॉजिटिव बोलिए। महागठबंधन एकजुट है झारखंड में? ऑफ कोर्स। आप लोग कितने विधायक जा रहे हैं? सब जा रहे हैं, टोटल 2-4 नहीं जा रहे हो? अरे आप बोलिए ना हमको। तो देखिए आप ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण के बीच किस तरह से 35 विधायकों को हैदराबाद के लिए रवाना किया गया है, रांची एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं ये 35 विधायक। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री। सर महागठबंधन एकजुट है झारखंड में? एकदम एकजुट है। तो कब आप लोग लौटेंगे, कब होगा फ्लोर टेस्ट? अभी तक वैसे हम लोग को जानकारी नहीं है, जब होगा तो बता। तो एक एक मैम, कब होगा फ्लोर टेस्ट, कब होगा, कब आप लोग लौटेंगे? फिफ्थ को होना चाहिए, फिफ्थ को होना चाहिए। सभी एकजुट है महागठबंधन के भी। अब भी आप लोगों को डाउट है क्या? राजभवन को बाध्य होना पड़ा हम लोगों को सरकार बनाने के लिए, अभी पूछ रहे हैं कि एकजुट है कि सफल हो गए आप लोग, सरकार बन गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कई लोग हैं, कई विधायक हैं, करीब 36 की संख्या में जो विधायक हैं वो जा रहे हैं हैदराबाद, और 5 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा, 5 को आप लोग लौटेंगे?
तो एक एक करके तमाम जो विधायक हैं वो हैदराबाद के लिए जा रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, ये तस्वीर है रांची एयरपोर्ट की, रांची एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां पे सारे विधायक मौजूद हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। ये बताइए, सफल हो गया महागठबंधन की सरकार, फिर से बन गई झारखंड में? महागठबंधन की सरकार बन गई, ये तमाम झारखंडियों की जीत है और एक बहुत बड़ी विजय तानाशाही ताकतों के ऊपर। लेकिन सर, हेमंत सोरेन की अगर बात करें, उनकी मुश्किलें तो बढ़ गई ना, उनको जेल भेज दिया गया। कोई मुश्किल नहीं बढ़ा, जो करना था इन लोगों ने कर दिया। अब हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, हमारे नेता निर्दोष हैं, इनोसेंट हैं, निश्चित रूप से वो सारे आरोपों से बरी होंगे, जल्द से जल्द वो जेल से बाहर होंगे। तो ये जो विधायक दल की बैठक होने वाली है बीजेपी की, अब इसका कोई मतलब नहीं बन, आप लोग एकजुट हैं? वो लोग लाख प्रयास कर ले, कर भी रहे हैं। पिछले चार साल से हम लोग सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस, लेकिन झारखंड की धरती सिब्बू सोरेन बिरसा मुंडा की धरती पर तमाम ऑपरेशन फेल। लेकिन सर, टूट का तो डर है ना, तभी तो आप लोग जा रहे हैं हैदराबाद। ये डर मत बोलिए, ये हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी एक रणनीति के तहत हम लोग जा रहे हैं। झारखंडी डरना नहीं सीखा, झारखंडियों ने संघर्ष किया है, आगे भी करेंगे और हमेशा विजय होंगे। परिवार में जो मतभेद था सीता सोरेन, आज तो राजभवन गई भी हैं, वो सारा चीज खत्म हो गया? कहीं कोई मतभेद नहीं था और न है। ये कहां कहां से ये सब बातें आती हैं, और अगर हल्का फुल्का कुछ बातें भी हैं, गतिरोध है, वो सब दूर कर लिया गया। जो आरोप लगाया गया है हेमंत सोरेन पर, उस पर क्या कहेंगे? और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हो गई, कोई आरोप ही नहीं बनता। आप सोचिए, एक CI स्तर का अधिकारी, अंचल निरीक्षक ने अपने बयान में किसी का नाम लिया, और वो जमीन जो आरोप लगा है, वो जमीन की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, कहीं नाम इनका नहीं है, सिर्फ बोल देने मात्र से एक लोकप्रिय नेता, एक मुख्यमंत्री को आरोपी बना देना कहां तक उचित है, आप समझ? लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी आज राहत नहीं मिली है हेमंत सोरेन? नहीं, तो वो तो प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रक्रिया का पालन करते हुए आप आइए, पहले आप हाई कोर्ट जाइए, वहां न्याय नहीं मिलेगा तो मैं हूं। ये जो राज्यपाल की तरफ से 36 घंटे का वक्त लग गया, आप लोगों के पास बहुमत था तो इतना वक्त क्यों? ये पूछा जाना चाहिए राजभवन से कि जब 3 बजे सुबह में महाराष्ट्र में वोट हो सकता है, बिहार में एक दिन में सुबह से शाम में वोट हो सकता है, तो यहाँ आखिर किस चीज़ का इंतजार हो रहा था? ये तो पूछा जाना चाहिए। कब लौटिएगा आप लोग? कारण खबर यह भी है 5 फरवरी को जो है वो फ्लोर टेस्ट होगा, जब जरूरत होगी 2 घंटे में हम लोग वापस आ जाएंगे। 36 विधायक जा रहे हैं हैदराबाद? जी, करीब करीब मतलब 5-6 विधायक यहीं पर रहेंगे और वो नज़र बनाए रखेंगे? नहीं, उन लोगों की कुछ काम है, 3 लोग तो ओथ ले रहे हैं, उसके बाद कुछ लोगों का दुमका में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, आज 5 लाख लोग जुटते हैं दुमका में, तो वहाँ जाने का कुछ कार्यक्रम। खबर यह भी है कि 2 डिप्टी CM बनाए जा सकते हैं या मंत्रिमंडल में सीता सोरेन भी शामिल होंगी? देखिए, खबर बहुत तरह की आ रही है, लेकिन जब तक कुछ चीज़ें हो नहीं जाती हैं तब तक कुछ भी बोलना जल्दीबाजी है। आपके मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ हुआ, इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा या फिर नुकसान होगा आप लोगों को? देखिए, पिछली बार भी हम लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी थी, हमारे मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाइए, 2-2 जगह से हम चुनाव जीते थे, इनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट चुनाव हार गए थे। उसके बाद जो स्थितियाँ बदली हैं, जो जन कल्याणकारी काम हुए हैं, जो झारखंडियों की अस्मिता को जगाने का काम हुआ है, झारखंडी विषयों पर निर्णय लिए गए हैं, उसका फायदा तो निश्चित रूप से मिलेगा, और रही सही कसर इन लोगों ने पूरी कर दी। हमारे लोकप्रिय नेता को बेबुनियाद आरोप में फंसाकर जेल भेजकर आज की तारीख में झारखंड में आलम यह है कि ये गांवों में नहीं घुस पाएंगे। तो बार बार ये क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, टूट कांग्रेस में हो सकती है? देखिए, प्रयास लोग करते हैं, कर भी रहे हैं, ऑपरेशन लोटस आपने सुना होगा, यहाँ थैली साहब भी बैठे पड़े हैं, लेकिन झारखंड के विधायक जो हमारे साथ हैं उन लोगों ने साबित कर दिया कि वो बिकाऊ नहीं, टिकाऊ। तो अभी आपके पास बहुमत जो है वो कितना है? विधायकों की संख्या महागठबंधन के साथ अभी कितनी है? 48 की संख्या अभी है, मुझे लगता है कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो एकात और बढ़ने की संभावना। मतलब कुछ जो 2 निर्दलीय हैं वो भी आपके साथ आ सकते हैं? वो भी आ सकते हैं, कुछ लोग और संपर्क में हैं। बताओ, मतलब बीजेपी के विधायक आपके संपर्क में, आप ये साफ तौर पर कहना चाह रहे हैं?
देखिए अगले बार चुनाव में विधानसभा में जीतने की ललक सबको होती है। इस राज्य में आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है हेमंत सोरेन की, तो सभी लोग चाहेंगे वैसे क्या होगा। लोकसभा में 14 सीटें हैं झारखंड की, कितनी सीटें मिलेगी महागठबंधन? महागठबंधन का प्रयास होगा 14 सीट जीते, लेकिन ये राजनीति है, एक दो सीटें पर हो सकता है वो लोग प्रयास करें। तो हमारे साथ थे विधायक मनोज जी, और आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के बाहर की जो तस्वीर है काफ़ी गहमा गहमी है। एक एक करके तमाम जो विधायक हैं वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, और करीब 35 से 36 विधायक हैं जो आज हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। और खबर यह पक्की तौर पर कहा जा सकता है कि 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा, उसी दिन सारे विधायक हैदराबाद से रांची आएंगे और सीधा विधानसभा जाएंगे जहां पर फ्लोर टेस्ट होगा। तो देखिए, आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड से। थोड़ी देर पहले ही आप रांची एयरपोर्ट से तस्वीरें देख रहे थे, जहां 35 से 36 विधायक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। और सीधे तौर पर हालांकि कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है, यह आशंका जरूर जता रहे हैं, लेकिन 35 विधायकों का हैदराबाद जाना शपथ ग्रहण के बीच कई सवाल खड़े तो कर ही रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नए सीएम, नए मुख्यमंत्री बन गए हैं झारखंड के चंपई सुरेन। कुछ देर पहले ही दो मंत्रियों के साथ उन्होंने शपथ ली है, और जो दो मंत्री शपथ लेते नजर आए कांग्रेस के कोटे से आलमगीर आलम और आरजेडी के कोटे से सत्यानंद भोक्ता, तो झारखंड में आज से चंपई सोरेन सरकार। और दूसरी ही तरफ, क्योंकि फ्लोर टेस्ट 5 फरवरी को होना है, बहुमत साबित करना है, रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं 35 विधायक जो हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। तो झारखंड की सियासी हलचल पर लगातार हमारी नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।